YouTube चैनल बच्चों, हम लोग का प्रणोद वाला टॉपिक चल रहा था। प्रणोद में आज हम आपको बताएंगे तरलों में दाब। सभी द्रव व गैसें तरल होते हैं। जिस प्रकार ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाते हैं, उसी प्रकार सभी द्रवों व गैसों में भी भार होता है। और ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर, मतलब चारों ओर दाब लगाते हैं। किसी परिशुद्ध तरल, मतलब द्रव व गैस के किसी बिंदु पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना कम हुए संचरित हो जाता है। तरल द्वारा डाला गया दाब पात्र की गहराई अर्थात ऊंचाई के साथ बढ़ता है। अब बच्चों, उत्प्लावकता। जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो वह हल्की लगती है, और जब हम तैरते हैं तो हमारा शरीर हल्का अनुभव करता है। जब हम कुएं में बाल्टी डालते हैं तो बाल्टी पानी की सतह से छूने पर हल्की अनुभव होती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जब कोई वस्तु पानी अर्थात द्रव की सतह को छूती है तो वह ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है जो पानी या द्रव द्वारा डाला जाता है। इस बल को की दिशा वस्तु के भार की दिशा के विपरीत होती है। अतः जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, तथा ये प्रक्रिया उत्प्लावकता कहलाती है। उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। आज बच्चों, हमने तरलों में दाब और उत्प्लावकता के बारे में पढ़ा। थैंक यू।